हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग कुछ खास होने वाला है। सुरसंड वाले मेन रोड पे, और ये वही रोड है जो हमारे गांव से सुरसंड की तरफ आती है। तो आज हम जा रहे हैं अपने कार की वॉशिंग करवाने। तो अभी लगभग 4-5 दिनों से बैक टू बैक गाड़ी चल ही रही है, और इस बार शादी का सीज़न चल रहा है, और इसमें 3-4 दिन लगभग रात में बारात गई है, इस वजह से गाड़ी काफ़ी गंदी हो। हाइड्रोलिक पे वॉशिंग करवाने जा रहे हैं उसको आज, क्योंकि नीचे से भी काफ़ी कीचड़ वगैरह गाँव में था, तो नीचे भी लगी हुई है, और मैं ये पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। ये पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है, तो आइए मैं एक व्यू दिखा देता हूँ गाड़ी कितनी गंदी है, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और उस वॉशिंग करने के बाद का व्यू और अभी के व्यू में क्या अंतर रहता है वो भी आप देख के कमेंट करें। चुके हैं इनसाइड और आउटडोर दोनों का है, तो काफ़ी गंदी हो गई है। एक्चुअली रात में जो फॉग होते हैं उस वजह से पानी गाड़ी पे आ जाती है, और जो धूल होते हैं वो जम जाते हैं। तो आइए चलते हैं जहाँ वॉश होती है, हम वहाँ चलते हैं लेके, फिर देखते हैं। अगर वेटिंग नहीं हुआ तो जल्दी धुल जाएगी, देखते हैं। वहाँ अगर गाड़ी हुई तो हो सकती है थोड़ी लेट भी हो जाए। तो आइए चलते हैं जहाँ गाड़ी धुलती है। सुरसंड चौक से थोड़ा सा आगे ही है, तो आइए चलते हैं। चुके हैं, देख सकते हैं पीछे वॉशिंग सेंटर। एक्चुअली यहाँ अभी दो गाड़ी पेंडिंग में है। एक्चुअली एक तो अभी धुल रही है जिसमें शैम्पू वगैरह से धोया जा रहा है, और एक और हमारे सामने जो खड़ी है वो वेटिंग में है। तो लगभग इसे धोने में कुछ टाइम लगेगा जब तक हम वेट करते हैं। तो यहाँ से गाड़ी खाली हुई है, उसके बाद अभी हम वैक्यूम से क्लीनिंग करवाने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रोसीजर में 3 स्टेप में होता है। पहले वैक्यूम से जो धूल वगैरह है अंदर का वो साफ होगा, उसके बाद मैट और वाटर वॉश होगा, फिर उसका शैम्पू, फिर उसके बाद वॉशिंग, फिर उसके बाद ये पॉलिश या फिर ऐसे ही कपड़े से पोंछते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये वैक्यूम से कैसा क्लीन करता है।
वॉशिंग में जाएगी। तो ये देख सकते हैं पीछे गाड़ी खड़ी है और वैक्यूम पूरी हो गई है पूरी गाड़ी में। गाइस तो ये ब्लॉग पार्ट दो में आएगा क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसे नेक्स्ट पार्ट में, काफ़ी जल्द आएगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब।